वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम जो टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं वो है CGPSE व्यापम रेलवे SSC बैंकिंग के लिए जो हमारा मैथमेटिक्स का सीरीज चल रहा है उसमें हम संख्या पद्धति पर अभी आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। संख्या पद्धति का थर्ड पार्ट मैं आज लेके आया हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था पूरे नंबर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट। सेकंड पार्ट में मैंने डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम आपको समझाया था। आज हम विभाज्यता के नियम पर आधारित एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। आज का वीडियो हमारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर बेस्ड है, क्लियर। तो अपन दो तीन पार्ट में इसको लेके आज बनाए हैं। सबसे पहले हम विभाज्यता के जो सामान्य रूल पढ़े हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड पार्ट में हम शेषफल पर आधारित क्वेश्चन करेंगे कि शेषफल जब हम किसी चीज से किसी नंबर को विभाजित करें तो उसमें रिमाइंडर कितना आता है, शेषफल कितना आता है। और उसी पर कुछ स्पेशल टाइप के जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, कुछ स्पेशल क्वेश्चन हैं जो विभाज्यता के रूल से थोड़ा हटके बनते हैं, जो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर इसी तरह के क्वेश्चन कवर होते हैं। तो ये हम थ्री पार्ट में आज का चैप्टर करेंगे। तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन देखें, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताऊं मैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सपोज हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है, कोई संख्या दिया हुआ है और उसके बीच में एक एलिमेंट को मिसिंग कर देगा, मिसिंग एलिमेंट, वहाँ स्टार लगा देगा या कोई XYABC कुछ भी लिखेगा और उस नंबर को फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो फर्स्ट अपने पास एग्जाम्पल है 17*3, 17, यहाँ हमने स्टार लगा दिया और ये 3। अब यहाँ पर जो नंबर आपको बताया गया है 17*, ये स्टार है, यहाँ पर कोई वेरिएबल भी लिख सकता है, ए लिख सकता है, बी लिख सकता है, XY भी लिख सकता है। तो हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस स्टार, मतलब इसका वैल्यू क्या है फाइंड करना है, जबकि क्वेश्चन में बोला है कि 3 से क्या है ये भाज्य है। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, देखिए 17*3 में इस स्टार की जगह कौन सा नंबर होना चाहिए और वो नंबर छोटी सी छोटी, क्योंकि उसके बाद तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं उसमें। तो हमको सबसे छोटा नंबर बताना है कि जबकि ये क्या है, 3 से भाज्य हो। तो ये क्वेश्चन आप किस तरह से बनाएंगे, आपको मैंने भाज्यता के रूल्स दिया था, उसके पूरे मैंने रूल्स का चार्ट दिया है। आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हो और उन लोगों ने यदि मेरे इसके दो लेक्चर और नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप इस वीडियो को क्लोज करिए और चले जाइए आप फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में, जहां आपको नंबर सिस्टम का समझ आएगा। देखिए आपको मेरा लेक्चर समझने और पढ़ने का तरीका ये है कि जो मैं सीरीज बनाता हूं, Part 1, Part 2, Part 3, Part 4 जो भी है, तो उसको आपको वन बाय वन देखना होगा। फिर जब मैं कोई नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो नया टॉपिक फिर फ्रेश स्टार्ट होगा, फिर उसके Part 1, Part 2, Part 3 होगा। इस तरह से आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च करके उसको देखिए, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्लियर। तो यहाँ से हम देखिए यहाँ स्टार्ट, अब आपको क्या करना है, 3 से भाज्यता के रूल को आपको ध्यान में लाना है कि भाई 3 से भाज्यता का रूल क्या होता है। तो आपको पता होगा कि 3 से भाज्यता का रूल क्या है कि पूरे नंबर को ऐड करने के बाद, यदि हम पूरे नंबर को ऐड कर दें और पूरे नंबर को ऐड करने के बाद उसको हम 3 से डिवाइड करें, उसमें 3 का भाग चला जाए तो 3 से पूरा भाग चला जाता है। तो इसको हम सम करें, 1+7+3, दैट इक्वल, आप देखिए स्टार को आप छोड़ दीजिए तो 1+7+3 कितना हो जाएगा, 11+*। अब आप इस स्टार के बारे में सोचिए कि 11 में कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि वह 3 से विभाज्य हो जाए। तो आप 0 से आप सोचना स्टार्ट कीजिए। सपोज मैं यहाँ स्टार के जगह 0 रखा तो 11+0 कितना होगा, 11, जो कि 3 से भाज्य नहीं होगा। अब उसके जगह मैं क्या रख दूँ, 1 रख दूँ, तो 11+1 रखूँ तो 11+1 रखने से क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। और नेचुरली 12 क्या है, 3 से भाज्य है, 3 × 4 = 12, इस तरह से। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 इज आंसर, मतलब यहाँ पर यदि स्टार की जगह में 1 हो तो ये जो नंबर है वो 3 से भाज्य होगा। बहुत आसान है लेकिन बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है। बस आपको
विभाज्यता का नियम याद रखना है। तो मैं कुछ यहाँ पर एग्जांपल आपको दूंगा जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। यदि आप विभाज्यता के नियम आपके दिमाग से हट गया तो आप विभाज्यता का नियम पहले रिवाइज करिए। मैंने पूरा चार्ट दिया है अपने वीडियो पर, पूरा चार पार्ट में उसको क्लासीफाई ए बी सी डी करके दिया हुआ है, उसे फिर आप उसको रिलेट करिए। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखिए मैं अलग अलग नंबर को लेके आपको कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए बता देता हूँ। और देखिए एक बात आप ध्यान में रखिए, यदि आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर हो तो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने का जरूरत कभी नहीं पड़ेगा। आप कुछ क्वेश्चन करके भी बहुत अच्छे से तैयार हो सकते हैं। सवाल यह है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, इसलिए आप कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1N 18*4 1 8*4 ये नंबर है अपने पास। यहाँ हमको स्टार का वैल्यू फाइंड करना है और इसको हमको रूल चार से भाज्य है। क्वेश्चन में बोला है कि ये कितने से भाज्य है, चार से भाज्य है। अब चार से भाज्यता का नियम आपको याद होगा, चार से भाज्यता का नियम है कि लास्ट के टू नंबर में 4 डिवाइड होना चाहिए, लास्ट के टू नंबर में। तो यहाँ लास्ट का टू नंबर क्या है अपने पास, स्टार 4। अब आप सोचिए कि ये नंबर चार से भाज्य कब होगा, तो स्टार को आप जीरो से आप सोचना स्टार्ट कीजिए। यदि हम स्टार के जगह जीरो रख दें तो यह नंबर हो जाएगा 04 और 04 4 से भाज्य जाएगा, क्योंकि 4 के सामने जो जीरो नंबर होता है वो कोई सेंस नहीं होता है। तो इक्वल टू 1 ये विभाज्य हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्लियर। तो बहुत आसान है, बस आपको रूल्स अप्लाई करना है। और कुछ क्वेश्चन बता दूँ अलग अलग नंबर पर, आपको हर तरह का क्वेश्चन ऐसा ही बनाना है, बस आपको भाज्यता का नियम याद रहना चाहिए। 5*6*9 से 5*6 ये भाज्य है, 9 से बोला है क्वेश्चन में स्टार का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये स्टार 9 का रूल क्या है, जैसे 3 का रूल है कि पूरे इसके सम में क्या होना चाहिए, 9 का भाग जाना चाहिए। तो 5+*+6 दैट इंप्लाइज 6+5 क्या हो जाएगा, 11 11+*। अब आप स्टार यहाँ पर सोचिए कि यहाँ पर मैं कौन सा नंबर रखूँ, 0 रखेंगे नहीं होगा, 1 रखेंगे नहीं होगा, 2 रखेंगे, 3 4 5 6 नहीं होगा। नेचुरली यदि आप स्टार को क्या रख दें, 7, तो दैट इक्वल 11+7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18, और 18 क्या होगा, 9 से भाज्य हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा आंसर उसका, 7। ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जो 11 से भाज्यता के नियम पर आधारित जो क्वेश्चन होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम उसी का एग्जांपल लेकर देखते हैं। देखिए 11 से भाज्यता के नियम के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर स्टार 5 3 4 5 7 5*3 5 3 4 5 7 3 4 5 7 ये हमारा क्वेश्चन है। और यहाँ पर हमको बोला गया है 11 से ये भाज्य है। अब हमको स्टार का वैल्यू फाइंड करना है। तो 11 से भाज्यता का नियम आपको याद होगा कि इसमें क्या करते हैं, जो सम स्थान पर जो नंबर है और विषम स्थान पर जो नंबर है उनका हम क्या करते हैं, योग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सम में कौन कौन है, 5 1 2 3 4 5 6 ये तो सम स्थान का योग, सम स्थान पर जो नंबर उनका योग निकाल लें तो कितना हो गया, ये हो गया 7 3 10 5 15 ये हो गया 15। इसका विषम का योग, यदि हम विषम से स्थान के नंबर का योग ज्ञात करें तो क्या है, यहाँ पर 7+4 ठीक है, 7 4 11 और प्लस स्टार 11+ स्टार। अब रूल क्या कहता है, देखिए 7 ये देखिए ये एक ये 7 4 11 क्लियर और प्लस स्टार। अब हम रूल क्या कहता है कि इसका और इसका जो नंबर है उसका दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 0। तो आप यहाँ पर ये सोचिए स्टार की जगह में कौन सा वैल्यू मैं रखूँ कि यह भी क्या हो जाए, 15 हो जाए, तभी तो 15 में 15 माइनस होकर क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। तो नेचुरली यहाँ पर स्टार को क्या रखना चाहिए,
11 प्लस 4 इक्वल टू 15। अब 15 को 15 से माइनस करने से 0 मिलेगा, क्योंकि भाज्यता का रूल का दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। 11 से भाज्यता का रूल आपको क्या कहता है कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग को माइनस किया जाए तो या तो उसका अंतर 0 आना चाहिए या तो उसका अंतर क्या आना चाहिए, उसके अंतर में 11 का भाग चले जाना चाहिए। क्लियर, तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा। तो बहुत आसान है, कुल मिला के आपने 3-4 क्वेश्चन से एक बात देखे होंगे कि यदि आपको भाज्यता पर इस तरह के क्वेश्चन बनाने हैं तो ओनली आपको रूल लर्न करना है, और मैंने अपने सेकंड पार्ट के वीडियो में इसके रूल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वहां से आप देख सकते हैं। क्लियर, अब हम इसमें देखते हैं कुछ शेष फल पर आधारित प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ रूल्स मैं बता दूं उसके लिए, रूल्स बताऊंगा और मैं चाह रहा हूं कि उसके साथ में उसके क्वेश्चन की भी आपको साथ ही साथ प्रैक्टिस करा दूं। तो देखिए, अभी हम पढ़ेंगे घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न। घातांकी भाग मतलब क्या होता है, इंडाइसेस रूल कहते हैं इंग्लिश में, जो घातांकी भाग होगा, घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न, इसको मैं 3 पार्ट में आपको डिवाइड करके बता रहा हूं और साथ ही साथ उसके एक्सरसाइज भी आपको कराते जाऊंगा एक एक पैटर्न पर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पार्ट ए, तो यहां पर एक रूल है n के सभी मानों के लिए, n के सभी मानों के लिए, माने n का कोई भी मान, सभी मतलब सम भी हो सकता है विषम भी हो सकता है, लेकिन n को पूर्णांक होना जरूरी है, इंटीजर होना जरूरी है। तो n के सभी मानों के लिए क्या होता है, ये जो x माइनस a है, x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n, ये x माइनस a से भाज्य होता है। ये रूल है पहला, एक बार और ध्यान दीजिए, n के सभी मानों के लिए, मतलब यहां पर जो n का मान है वो कुछ भी हो, सम हो या विषम हो, लेकिन पूर्णांक होना चाहिए। तो इस पैटर्न का जो क्वेश्चन रहेगा x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, ये x माइनस a से पूर्णतः माने भाज्य, मतलब पूर्ण भाज्य हो जाता है, ये पूर्ण हो जाता है भाज्य। अब यहां पर मैं एक आपको इसका एग्जाम्पल बताऊं तो आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पर देखिए 68 टू द पावर 88 डिवाइडेड बाई 67। देखिए, इस क्वेश्चन को वाच करने का एक तरीका यह है कि यहाँ पर x माइनस a से भाज्य है, तो यहाँ पर जो बेस होगा, ये बेस है तो इसका बेस 68 है, तो उसमें एक कम होना चाहिए, इसमें से इससे माइनस होना चाहिए, एक कम हो या जितना भी उसे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज x प्लस a के रूल में चलाएगा। यदि अब यहाँ पर हमको पूछा क्वेश्चन में कि 68 टू दी पावर 88 में 67 को भाग देने से शेष फल कितना आएगा, हमारा क्वेश्चन क्या है इसमें, शेष फल कितना आएगा, मतलब रिमाइंडर, शेष फल कितना आएगा हमको बताना है। तो क्या करेंगे हम, इसको इस पैटर्न पर एडजस्टमेंट करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 68 टू दी पावर 88 और माइनस, इसको चाहिए माइनस, यहाँ पर 1 चाहिए तो ये 1 कर दिए, 1 का पावर, यहाँ देखो x का पावर n है, यहाँ पर जो बेस उसका पावर भी n होना चाहिए, तो 68 का पावर 88 है, 1 का पावर यदि हम 88 लिखें तो 1 ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि 1 का कुछ भी पावर 1, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अपन ये 67 है, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 68 माइनस 1। अब यहाँ पर आप देखिए, आपने यहाँ पर माइनस 1 कर दिया, तो 1 तो हमने जबरन माइनस 1 कर दिया, वहाँ तो था नहीं, तो इसको एडजस्टमेंट करने के लिए क्या लिखेंगे हम, प्लस 1 लिखेंगे। यहाँ का एडजस्टमेंट ध्यान दीजिए कि माइनस 1 प्लस 1 के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा और आएगा यही, मतलब हमने केवल इसके फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज किया है। क्लियर, अब यहाँ पर देखिए, ये जो नंबर है ये क्या होगा, पूर्ण भाज्य होगा, क्योंकि रूल क्या कहता है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, यहाँ पर a का वैल्यू 1 है, ये पूर्ण भाज्य होता है, तो बच क्या गया अपने पास, बच गया 1,
तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में इसका शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा, ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए n के सभी मानों के लिए, यहाँ पर मैंने आपको सम का एग्जाम्पल लिया है, एक एग्जाम्पल आपको मैं विषम का भी बता देता हूँ। देखिए 18 to the power 15 प्लस 4/17 प्लस 4/17 ये क्वेश्चन है, और यहाँ पूछा गया है कि शेषफल कितना आएगा। देखिए यहाँ पर मैंने इसका पावर को क्या लिया था, सम लिया था। अब यहाँ पर मैंने इसके पावर को क्या ले लिया, विषम ले लिया। अब इसके पावर को मैं विषम ले लिया, और यहाँ पर आप देखिए ये 18 है और ये 17। ये आपको सबसे पहले वाच करना है कि यहाँ का नंबर इससे कम होना चाहिए। एक कम हो, एक कम होने से ऐसी पता चल जाता है कि ए का मान 1 हो गया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 18 to the power 15 और इसके साथ माइनस 1 चाहिए, और अपान इसको हम लिख सकते हैं 18 माइनस 1, तो 18 माइनस 1 क्या होगा, 17 होगा। अब यहाँ माइनस 1 किया तो प्लस 1 भी करेंगे, माइनस 1 किया तो प्लस 1 भी करेंगे, और प्लस 4 तो ऑलरेडी है पहले से। अब यहाँ पर देखिए दैट इक्वल, इतना जो नंबर है वह पूर्ण भाज्य होगा रूल से, क्योंकि ये क्या है, पूर्ण भाज्य होता है। तो ये जो मैं बॉक्स में बंद किया ये पूर्ण भाज्य होगा, तो आपके पास क्या बच गया, ये एक्स्ट्रा बच गया, और यही क्या होगा, शेषफल होगा। तो शेषफल कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये शेषफल 5 हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से n के सभी मानों के लिए x^n - a^n x - n से पूर्णतः भाज्य होता है। ये आसान क्वेश्चन है, बस आपको एडजस्टमेंट करना है। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना है कि x माइनस ए है तो उसी फॉर्म में इसको हमको कन्वर्ट करना है। अभी मैं प्लस वाला भी बता रहा हूँ, तो कंपेरेटिवली आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे, क्लियर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट रूल बी पैटर्न के क्वेश्चन। बी पैटर्न के क्वेश्चन में हम देखते हैं n के सम मान के लिए, फिर अपन देखेंगे n के विषम मान के लिए, क्लियर। तो n के केवल सम मान के लिए, n के केवल सम मान के लिए मतलब क्या हुआ, यहां पर ये जो नंबर अपन n लेंगे वो केवल क्या होगा, सम संख्या होगा, क्लियर। तो यहाँ पर जो रूल होता है n के केवल सम मान के लिए वो होता है x^n - a^n, ये जो होता है वह x प्लस a से भाज्य होता है। मतलब क्या हुआ, यदि n का पावर, यहाँ पर जो n है ये क्या हो, सम संख्या हो, तो उस कंडीशन में यह x प्लस a से भाज्य होता है, क्लियर। मतलब यहाँ पर प्लस 1 के फॉर्म में, आप एग्जाम्पल से उसको ढंग से समझ पाएंगे। देखिए इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ये एग्जाम्पल देखिए 75 to the power 64 प्लस 5 और अपॉन 76। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आप वाच कर रहे होंगे कि अभी तक मैंने जितना एग्जाम्पल लिया था उसमें यहाँ जो नंबर था, यहाँ का नंबर उससे क्या था, ज़्यादा था, एक ज़्यादा था, उसको आप माइनस 1 करते थे, लेकिन यहाँ पर सम विषम कुछ भी हो सकता था। अब यहाँ पर देखिए क्या है, केवल सम है, इसका मान सम है, तो आप इसको किस तरह से एडजस्टमेंट करोगे, दैट इम्प्लाइज 75 to the power 64 और क्या चाहिए, -1। तो यहाँ पर आप -1 लिखेंगे ये, क्योंकि ये माइनस के फॉर्म में है, लेकिन नीचे को कैसे लिखेंगे, 76 तो प्लस के फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 75 + 1, क्लियर। अभी इससे पहले जो एग्जांपल दिया था वहां पर वो नंबर क्या होता था, कम होता था 67, इससे कम होता था, यहाँ ये नंबर इससे कम होता था, थोड़ा वाच करेंगे अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ के नंबर से यहाँ का नंबर यदि कम हो
तो माइनस में ब्रेक करना है, लेकिन नीचे का नंबर ऊपर के नंबर से क्या हो, बड़ा हो। देखिए 75 है, 76 एक ज्यादा है, तो उसको प्लस में ब्रेक करना है, और प्लस में ब्रेक करने से ये कंडीशन आएगा, तो ये केवल सम संख्या के लिए ही लागू होगा। आगे हम इसको सॉल्व करें, दैट इक्वल, तो यहाँ पर आप देखो माइनस वन किए हो तो यहाँ पर प्लस फाइव, माइनस वन किए हो तो क्या करना पड़ेगा अपने को, प्लस वन करना पड़ेगा। जब भी आप माइनस वन करेंगे तो तुरंत प्लस वन करेंगे उसके एडजस्टमेंट के लिए, क्योंकि दोनों कट के जीरो हो जाएगा और ये फाइव तो फाइव रहेगा ही। अब भाज्यता का रूल क्या कहता है कि ये तो पूर्णतः भाज्य होगा इतना, क्योंकि हमने रूल में लिखा है एक्स टू द पावर माइनस ए टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपान एक्स प्लस वन, ये पूर्ण भाज्य हो गया। तो जो नंबर बच गया ये शेषफल होगा, तो सीधा इस पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये शेषफल हो जाएगा कितना, सिक्स, ये शेष इसका सिक्स, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आपको वाच करना है ओनली कि किस पैटर्न का एग्जाम्पल है, पैटर्न आप वाच करेंगे तो आपको रूल से पता चल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट सी विषम मान के लिए, एन के केवल विषम मान के लिए अपन देखते हैं। देखिए अब जो घात है एन वो क्या हो, विषम हो, विषम मान के लिए, तो विषम मान के रूट पावर एन प्लस ए टू द पावर एन ये x प्लस ए से भाज्य होता है। अब यहां पर आपने एक खास बात देखा होगा, यहां प्लस है, तो कभी भी यहां प्लस हो, बाकी दोनों पैटर्न में क्या था, माइनस था, यहां प्लस है, और कभी भी दोनों के बीच में आपको प्लस मिले तो तुरंत समझ जाना कि वह सिर्फ विषम की बात हो रही है, सम के लिए अप्लाई नहीं होगा, विषम के लिए। तो x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n सिर्फ किससे भाज्य होगा, x प्लस वन से भाज्य होगा। आपको पैटर्न, देखिए मैं बार बार अपने मैथमेटिक्स के हर क्लास में स्टूडेंट को मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि मेरा बहुत इस बात पर एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन दिन भर करते हैं लेकिन उनके प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहते, इसलिए उन क्वेश्चन नहीं बना पाते। एक क्वेश्चन ही सफिशियंट है आपके लिए, लेकिन सवाल यह है कि आपने पैटर्न को ठीक से वॉच किया कि नहीं। इसलिए आप कभी भी जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो आपका पूरा फोकस पैटर्न पर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पर होना चाहिए, फिर एक क्वेश्चन ही सफिशियंट है आपके लिए, बाकी क्वेश्चन आप उसी बेस पर बना सकते हैं। यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, सेवेंटी फाइव टू द पावर सिक्सटी फाइव, सेवेंटी फाइव टू द पावर सिक्सटी फाइव प्लस फाइव, और ये डिवाइडेड है सेवेंटी सिक्स से। आप पैटर्न पहचानेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर सीधा आपको दिख रहा है कि बीच में प्लस है, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि विषम वाला केस है, और ये घात को देखिए क्या है, वो विषम संख्या है, और नीचे में 75 से एक ज़्यादा है 76, देखिए ये क्या है, प्लस वाला रहेगा। हम इसको सीधा ब्रेक करेंगे, किस तरह से ब्रेक करेंगे, 75 टू द पावर 65, और हमको इसके सामने अब प्लस वन चाहिए ना कि माइनस वन, तो यहाँ पर हम प्लस वन किए तो साथ में माइनस वन किए, और प्लस फाइव तो यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर हम 75 को क्या लिख सकते हैं, 75 प्लस 76 को लिख सकते हैं 75 प्लस वन, इस पैटर्न में आ गया। तो अब ये जो पोर्शन है वह आपका पूर्णतः भाज्य है, क्योंकि हम रूल से क्या देख रहे हैं कि भाज्य होता है, तो बच क्या आ गया, ये माइनस है ना, 5 माइनस 1, मैंने 5 माइनस 1 कितना आएगा, 4, तो 4 इसका शेषफल आएगा। हम फाइंड क्या कर रहे हैं, शेषफल फाइंड कर रहे हैं, रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं कि सॉल्व करने के बाद शेषफल कितना आएगा। तो ये हो गए तीन पैटर्न, और तीन पैटर्न के मैंने कुछ एग्जांपल बताए। अब इसमें कुछ स्पेशल केस हैं, स्पेशल केस में क्या होता है, यदि रिमाइंडर माइनस में आ जाए तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका एक स्पेशल कंडीशन स्पेशल केस,
जब शेष फल क्या हो, निगेटिव में आ जाए। तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन इसके निगेटिव के लिए। देखिए किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन ले लेते हैं, 45 टू द पावर 50, 45 टू द पावर 50 माइनस 9 अपॉन 44। ये सभी पैटर्न के लिए अप्लाई होगा, पैटर्न कुछ भी होगा लेकिन यहाँ पर शेष फल क्या होगा, ऋणात्मक। अब इसको हम सॉल्व करें तो देखिए, आप वाच करिए, देखिए क्या वाच कर रहे हैं आपको। सबसे पहले बेस, ये 44 है, 45 है, ये 44 है। निश्चित रूप से आप समझ जाइए कि नीचे क्या लिखना है, माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा। इसी को आप पहले लिख लो, ये हो जाएगा 45 माइनस 1, माने x माइनस 1 से विभाज्य वाला है। फिर आप देखें यहाँ पर माइनस है, तो एनी नंबर के लिए हो सकता है वो, क्योंकि सम विषम दोनों के लागू होता है। यदि नीचे प्लस हो तो फिर हमको सोचना पड़ता है सम या विषम, क्लियर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 45 टू द पावर 50 और हमको माइनस 1 चाहिए, तो हमने माइनस 1 लिख लिया। माइनस 1 के एडजस्टमेंट के लिए हमने क्या लिख लिया, प्लस 1 लिख लिया। ये जैसे ही हम माइनस 1 लिखेंगे, प्लस 1 लिखेंगे या प्लस 1 लिखेंगे तो माइनस 1 लिखेंगे, आप समझ गए होंगे, ये कैंसिल आउट कराने के लिए है। और ये माइनस 9, क्लियर। इस तरह से आप देखिए, अब यहाँ पर ये पूर्णतः भाज्य है, रूल के अकॉर्डिंग ये पूर्णतः भाज्य है। तो आपका शेष फल, ये शेष फल कितना आ गया, माइनस 8, माइनस 9 प्लस 1 माइनस 8, और ये पॉसिबल नहीं हो सकता, कभी भी रिमाइंडर माइनस नहीं हो सकता। सबसे छोटा रिमाइंडर होता है क्या, जीरो। शेष फल कभी, ये बात स्पेशल कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान रखेंगे, जब हम किसी भी नंबर में किसी नंबर का भाग देते हैं तो सबसे छोटा शेष फल क्या आ सकता है, शून्य। सबसे छोटा शेष फल शून्य आता है और सबसे बड़ा शेष फल 9 आ सकता है। कभी भी यह, या 9 से बड़ा भी आ सकता है, कभी भी यह ऋणात्मक पॉसिबल नहीं है। तो फिर इसीलिए मैंने आपको इसको स्पेशल केस में बताया। तो इस कंडीशन में शेष फल क्या होता है, तो यहां पर शेष फल ज्ञात करने के लिए एक नियम होता है, यहां पर शेष फल बराबर हो जाएगा ये जो इसके हर में है, डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसमें इस नंबर को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, या चिन्ह सहित बात करें तो जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 44 माइनस 8, क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा, 36, ये इसका रिमाइंडर होगा। तो एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना कि शेष फल ऋणात्मक नहीं हो सकता। यहां पर एक नोट आप लिख लीजिए कि कभी भी शेष फल नेवर कैन बी निगेटिव, रिमाइंडर नेवर कैन बी निगेटिव, शेष फल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो आप ध्यान रखना, कभी भी आपको शेष फल ऋणात्मक रूप में मिले तो तुरंत उसको क्या करना है, इसके बटे में जो रहेगा, मतलब जिसमें हम उसका भाग देते रहेंगे, उससे उस नंबर को क्या करना है, माइनस करना है, तो आपको शेष फल में फाइंड हो जाएगा। ये स्पेशल केस है। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूँ जो रेयर ऑफ द रेयर क्वेश्चन है, मतलब बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, खासकर आपने कभी व्यापम का एग्जाम दिया होगा या देंगे, तो आजकल व्यापम के एग्जाम में जो डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स के लिए जो वैकेंसीज आते हैं उसमें मैंने देखा है कि मैथमेटिक्स का लेवल बहुत हाई होता है। कई बार तो मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा है मैथमेटिक्स में जो अप्लाइड मैथमेटिक्स पर है, मतलब जो ओनली मैथ्स का स्टूडेंट है वो बना पाएगा। इसलिए कभी भी, एक बार CGPSC के CSET की बात अलग है, लेकिन यदि आप व्यापम का या बैंकिंग वगैरह का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स को आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के प्रिपरेशन करना होगा, क्योंकि वहाँ पर मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन होता है उसका लेवल बहुत एडवांस होता है, और हम लोग क्या है, बहुत ईजी लेवल पर करते हैं, इसलिए बहुत धोखा होता है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जिस पैटर्न का क्वेश्चन बहुत बार आया है और वो मिसलेनियस है, अलग टाइप का है। आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। 13 टू द पावर 73 प्लस 14 टू द पावर 3, और इसमें डिवाइड करना है
11, ये 11 को डिवाइड करना है और इसमें आपको शेषफल फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन को, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन का मिक्सअप है, यहाँ पर आप देखिए 1 नहीं बना सकते, अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो बेस होगा, ये बेस है, इसको बेस कहते हैं, ये पावर कहलाता है। तो यहाँ जो बेस होगा उससे इस जो डिवाइड हो रहा है उसको छोटा होना चाहिए, भी छोटा है इससे। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या लिखेंगे, इस स्टेप को थोड़ा ध्यान समझना, आप इसके बेस में 11 को डिवाइड कर दो। बेस क्या है, 17। मैं यहाँ पर आपको रफ फर करके बता भी रहा हूँ, बहुत आसान काम है, लेकिन मैं उसको थोड़ा बहुत रिलैक्स बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान समझें, क्योंकि रेयर क्वेश्चन, इसको आप सीख गए तो समझ लीजिए आप बहुत इस तरह के क्वेश्चन को इजी वे बना सकेंगे। 17 में 11 को भाग दें तो 11 एकम 11 और कितना शेषफल बचेगा, 6 बचेगा, क्लियर। तो यहां पर जो रिमाइंडर आपका बचेगा 6, ठीक है। 13, सॉरी यहां पर क्वेश्चन को मैं करेक्शन कर रहा हूं, वैसे इससे भी बना सकते लिया है, वैसे इससे भी बन जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन वही क्वेश्चन बता दूं मैं। यहाँ पर बेस है हमारा 13 है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, एक्चुअल में किसी एग्जाम में इसको पूछा है 13। तो डायरेक्ट लिखते हैं अपन, 13 में 11 का भाग दें, 11 कम 11, शेषफल कितना बचेगा, 2। तो सीधा आप इसमें शेषफल को पावर में लिखोगे, 2 to the power 73, ये रूल है, क्लियर। और 14 में 11 का भाग है, 11 एकम 11 कितना बचेगा, 3। तो 3 to the power 3 अपॉन 11। पहला स्टेप क्या बताया मैंने, समझ गए आप, पहला स्टेप बताया कि इसके बेस में इसको डिवाइड करना है, जो शेष फल आएगा उस शेष फल के घात के रूप में इसको लिख देना है, क्लियर। अब आगे समझिए, यहां पर इसका यदि घात क्या हो जाए, विषम, तो उसको आपको सम बनाना है। कैसे बनाना है, मैं एक अलग एग्जांपल देता हूं, जैसे कहीं पर 7 का घात 3 है जो कि विषम है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 7 into 7 to the power 2। अभी मैंने आपको घातांक नियम नहीं पढ़ाया है, मेरे नेक्स्ट वीडियो में यह हो सकता है, इसके बाद वाले वीडियो में आपको घातांक नियम, क्योंकि बहुत जरूरी है, कुछ बेसिक चीजों को लेके मैं 3-4 वीडियो में आपको दूंगा, वो आपको करना है, तो मैं घातांक नियम बता दूंगा। यहाँ आप थोड़ा समझा देता हूँ, तो यहाँ पर गुणा होता है तो घात आपस में जुड़ते हैं, तो 2 इसका घात 1 है, 2 × 1 कितना हो गया, 3। देखिए अब इसका घात क्या हो गया, सम हो गया, मतलब 3 था उसमें से 1 को अलग कर दिया तो 2 हो गया। इसी तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, घात को सम बनाएंगे, तो यहाँ पर 73 है, जिसको मैं क्या लिख दिया, 2 into 2 to the power क्या लिख सकते हैं, 72 लिख सकते हैं। तो 72 और 1 73 73 हो गया, और 72 क्या हो गया, सम हो गया, और प्लस इसको आप ऐसे रहने दीजिए 3 to the power 3, इसको बाद में बात करेंगे क्योंकि इसका बेस अभी छोटा है, बाद में साल हो जाएगा 11। अब आगे इसको यदि हम साल्व करें, देखिए तो क्या हो जाएगा, दैट इक्वल, अब एक चीज आप ध्यान में रखिए, ये 11 है और आपको ये जो नंबर है ये इसको 11 से बड़ा बनाना है, और ये तो 11 से ऑलरेडी बड़ा है क्योंकि 27 है, 3 का घात 3, 3 × 9 = 27, तो इसको आपको 11 से बड़ा बनाना है। तो घातांक नियम से इसको हम लिख सकते हैं 2 into, देखिए यदि मैं इसको 2 का घात 2 करूं तो 2 × 2 = 4 आएगा, 2 का घात 3 करूं तो 8 आएगा, 2 का घात 4 करूं तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो इसको मैं 2 का घात 4 बना दूं, 2 का घात 4, अब क्या होगा, ये 4 घातांक नियम से, घातांक नियम मैं आपको मेरे वीडियो में आपको मिलेगा, घातांक नियम आपको एक स्पेशल टॉपिक है, उसको कवर करना पड़ेगा, यदि आपको यहाँ प्रॉब्लम आता है तो थोड़ा समझ लीजिए, बाद में आप घातांक नियम वाले मेरे वीडियो देखेंगे, सब क्लियर रहेगा। तो यहाँ पर 4 हुआ, तो अब क्या होगा, 72 में 4 का भाग जाएगा घातों के घात वाले नियम से, तो 18 × 4 = 72, तो कितना हो जाएगा इसका पावर, 18, और प्लस इसको अभी आप ऐसे लिखने दो, 3 to the power 3 और अपान 11, दैट इक्वल, अब इसको हम लिख सकते हैं 2 into, 2 का घात 4 मतलब 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 × 16, इसीलिए मैं बताया 16 इसका पावर 18 प्लस 3 to the power 3 और अपान 11। थोड़ा मैं इसको लेंदी इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए, एक बार समझने के बाद इसके कुछ स्टेप आप स्केप कर सकते हैं और तेजी से बना सकते हैं। अब देखिए ये हो गया 2 into, अब 16 में 11 का भाग चला जाएगा, तो 11 एकम 11 कितना शेषफल बचा, 11 माइनस करेंगे तो 5, 16 में 11 माइनस करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, 16 में आप 11 भाग करेंगे 11 एकम 11 तो शेषफल कितना बचेगा, 5,
तो अभी मैंने जो रूल यहाँ बताया था कि शेष फल का पावर बना देते हैं, तो यह आएगा 5 to the power 18 प्लस 3 to the power 3 अपॉन 11। मतलब हम क्या करते जा रहे हैं, इसके बेस में 11 को डिवाइड करके जो शेष फल बच रहा है वो शेष फल को हम पावर में लिखते जा रहे हैं। अब आगे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इक्वल 2 into, अब ये 5 की घात 18 है तो इसको हम फिर क्या लिखना है अपने को, 11 से बड़ा बनाना है, तो क्या कर सकते हैं 5 का घात 2, इसको मैं लिख दिया 5 to the power 2 और 18 में 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 9, 9 दूनी 18 और प्लस 3 to the power 3 अपॉन 11 दैट इक्वल 2 into, अब ये कितना हो गया 25 में फिर 11 का भाग चला जाएगा, क्लियर, ये 5 का वर्ग माने 25 है, एक बार लिख देता हूँ मैं, ये हो गया 25 to the power 9 प्लस 3 to the power 3 अपॉन 11 दैट इक्वल 2 into, अब 25 में हम 11 का भाग देंगे तो 11 दूनी 22 तो कितना बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 3 to the power 9 प्लस 3 to the power 3 अपॉन 11 दैट इक्वल, मैं क्या करते जा रहा हूँ, देखिए बेस को हम बड़ा बनाते जा रहे हैं, अब यहाँ पर 3 है, 3 में 11 का भाग नहीं जाएगा तो 3 को वर्ग कर दूं तो 3 दिया 9 उसमें भी जाएगा, 3 का 3 कर दें तो 27, तो फिर वैसे ही कर दो 2 into 3 to the power 3 और 3 का इसमें भाग देंगे 3 दिया 9, 9 में 3 का भाग देंगे ये हो जाएगा और प्लस 3 to the power 3 अपॉन 11 दैट इक्वल, देखिए ये 27 है 2 गुणित 27 में यदि हम 27 में यदि हम 11 का भाग दें तो 11 दूनी 22 और कितना बचेगा 5, तो क्या हो जाएगा ये 5 का पावर 3 प्लस, अब आप यहाँ पर भी भाग दे दो तो 27 में भाग हो जाएगा 5 अपॉन 11 दैट इक्वल, आगे हम इसको सॉल्व करें देखिए, तो क्या हो जाएगा 2 गुणित 5 का घात 3 मतलब 125 और धन 5/11, अब इसमें क्या करिए 125 में आप 11 को भाग कर दीजिए तो 125 में 11 का भाग करोगे तो आपको शेष फल मिलेगा 4, 125 में जो बड़ा नंबर उसी में भाग करना है केवल, 125 में 11 का भाग करोगे तो शेष फल 4 मिलेगा, शेष फल 4 मिलेगा तो 4 को लेंगे मतलब यहाँ पर जो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शेष फल 4 तो 4 दूनी 8 तो ये हो जाएगा 8 plus 5 upon 11 दैट इक्वल 8 plus 5 13 upon 11, अब इसको भाग देंगे तो ये कितना मिलेगा शेष फल 2 11 1 11 दो शेष फल बचेगा, ये दे दो शेष फल होगा। इस तरीके से एक बार मैं इस प्रोसेस को आपको रिपीट कर देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप 2 बार 3 बार इसको बना के देखिए उसके बाद आपसे बन जाएगा। यदि इस तरह से शेष फल ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इसके आधार और जितने भी और नंबर रहेंगे तो सबके आधार, ऐसा नहीं कि 2, 3, 4, 5 भी हो तो आपको परेशान नहीं होना है, सबके आधार में इसको भाग देना है, यदि आधार छोटा रहेगा उसको छोड़ देना है। तो 13 में हम 11 को डिवाइड किए तो 11 एकम 11 दो शेष फल बचा, तो देखिए मैंने 2 का घात 73 लिख दिया। 14 में हम 11 को भाग दिया तो 11 एकम 11 तीन शेष फल बचा, तो 3 के घात में इसको लिख दिया। इसके बाद ये तो इससे छोटा नंबर हो गया, इसको आप छोड़ दो, और ये 2 का पावर 72 है, इसको क्या 73 है, उसको आप 72 बनाने के लिए 2 को अलग कर लिए, इसके साथ 72 1 73 हो जाएगा। ऐसा क्यों किए, क्योंकि इसमें हम इसको 2 का भाग करेंगे। अब ये 2 को हमको 11 से अधिक बनाना है, तो 11 से अधिक कैसे बनाएं, 2 का घात 2 तो 4, 2 का घात 3 तो 8, 2 का घात 4 तो 16, तो इसलिए हमने क्या कर दिया 2 का घात 4 क्या बनाने के लिए 16, क्योंकि हमको 11 से बड़ा बनाना है। लेकिन जब घात हम 4 करेंगे तो इस घात का 72 में भाग होगा घातांक नियम से, 18 चौक 72, 18 गुणी 4 72, ये 72 हो गया। अब इस 16 में फिर आप क्या करोगे, 11 को भाग करोगे, तो 16 में 11 भाग करोगे तो शेष फल कितना बचेगा 5 बचेगा। अब ये 5 11 से छोटा हो गया, तो हमने 5 का घात 2 लिखा 25 बनाने के लिए, और ये 2 9 दूनी 18 हो गया। इस तरीके से उस प्रोसेस को हम रिपीट करते जाते हैं, तो रेयर क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए हो जाएगा। तो आज मैंने आपको बताया भाज्यता के नियम पर बेस्ड क्वेश्चन, फिर हम भाज्यता के आधार से शेष फल कैसे ज्ञात करते हैं, और ये क्वेश्चन आपको बताया, आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए तो भाज्यता से संबंधित क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में
हम आपको फिर घातांक नियम, फिर दो चर वाले समीकरण को हल करना, सरलीकरण करना, ये कंटिन्यूअस आपको वीडियो देंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कंटिन्यूअस आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा। ओके, थैंक यू।